सिंध हुकूमत वो बात कर रही है जो पूरी दुनिया के तिब्बी माहरीन कर रहे हैं। मुनाजिम तरीके से सिंध हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। लॉकडाउन का खुद ऐलान करने वाले असद उमर अब नुकसान का कह रहे हैं। वजीर इत्तला सिंध नासिर शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उलमा क्राम से मुशावरत जारी है, उम्मीद है कि बेहतर हल निकल आएगा। टिड्डी दल की सूरत हाल भयानक हो गई, वफाकी हुकूमत सिर्फ टरखा रही है। लॉकडाउन था हमारा, उसमें ज़रूर शिकायत आ रही हैं। उसकी वजह भी यही है कि ये जो मिक्स मैसेजेस हैं, मिक्स सिग्नल्स जो आते हैं, एक ये मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। जो इस वक्त लॉकडाउन है, इसकी अनाउंसमेंट असद उमर साहब ने 14 अप्रैल को की थी कि 9 मई तक जो है वो लॉकडाउन।